इससे पहले 624 में इन दोनों पक्षों के बीच बद्र की जंग लड़ी गई थी। उस हार का बदला लेने के लिए ये लड़ाई हुई थी। इसका नतीजा बगैर हार जीत का रहा था। उहुद की लड़ाई शनिवार 23 मार्च 625 को माउंट उहुद मदीना सऊदी अरब की घाटी में हुई थी। मुख्य गुट की कमान अबू सुफियान के साथ मक्कन सेना ने मुस्लिम रेखाओं के सामने स्थिति संभाली। इकरीमा इब्न अबू जहल ने बाएं और दाएं फ्लैंक का नेतृत्व किया। अमर इब्न अलस घुड़सवार सेना कमांडर घुड़सवार सेना के विंग के बीच हमले के आयोजन का प्रभारी था। अबू अमीर ने पहला हमला शुरू करने की अनुमति दी। मुसलमानों की ओर से पथराव के कारण रोके जाने के बाद अबू अमीर और उसकी सेना को मक्कन सीमा के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मक्कन नेता तलहा इब्न अबी तलहा अलबदारी आगे बढ़े और मुसलमानों को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। परिणाम स्वरूप मुहम्मद के चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े और तलहा को एक ही वार से बाहर कर दिया। तलहा इब्न अबी तलहा अलबदारी का परिवार मक्कन सेना के मानक धारण का प्रभारी था, इसलिए तलहा के भाई और बेटे मक्कन बैनर को बचाने के लिए एक एक करके बाहर निकले और तब तक बहादुरी से लड़ते रहे जब तक कि वे सभी मर नहीं गए। द्वंद्व युद्ध के बाद दोनों सेनाएं एक सामान्य लड़ाई में शामिल हो गईं, लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों ने मक्कन में धावा बोला कुरैश का आत्मविश्वास तेजी से टूटने लगा। उहुद की लड़ाई के परिणाम जैसे जैसे मुसलमानों ने गति पकड़ी उन्होंने तुरंत विरोधी ताकतों पर विजय प्राप्त कर ली जिससे मुस्लिम सेना का मनोबल बढ़ गया। हालांकि जैसे ही मुसलमानों ने मक्कन को पीछे हटने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया निशानेबाजों में एक दोष का पता चला। उहुद पर्वत की ढलान पर तैनात निशानेबाज युद्ध के मैदान में भाग गए। वे अपने अत्यधिक अहंकार के कारण वरिष्ठ जनों की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। मक्कन सेना ने स्थिति का फायदा उठाया और मुसलमानों पर पीछे से हमला करते हुए पहाड़ को घेरना शुरू कर दिया। इससे मुसलमान अनजान और भ्रमित हो गए। दुर्भाग्य से कई मुसलमान पैगंबर और उनके वफादार दोस्तों और विश्वासियों को छोड़कर युद्ध से भाग गए। इस उद्दंड कृत्य के कारण उहुद की लड़ाई में कई मुसलमान मारे गए और मुसलमान अपने दुश्मन को हराने में असमर्थ रहे।